मध्य प्रदेश के सनावत बड़वा के जागरूक नागरिकों द्वारा नगर की संस्थाओं के साथ मिलकर इंदौर इच्छापुर मार्ग पर हुए जानलेवा गड्ढों के विरोध में सनावत के विभिन्न रोडों पर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर गड्ढों पर फूल चढ़ाए गए थे एवं जिम्मेदार विभागों एवं विभिन्न प्रशासनिक स्तरों को जगाने हेतु सरकार की संदेश मुहिम चलाई गई, जिसके तहत गड्ढों पर फूल चढ़ाने के पूर्व व इसके बाद भी गड्ढे भरे। मुहिम के संयोजक जाकिर हुसैन अमी ने बताया कि इसी तारतम्य में 8 दिवस बाद नर्मदा पुल पर के गड्ढे पत्थर प्लेन वेस्ट लोहे टाट मिट्टी डालकर भरे गए, जिन्हें हर 2-3 दिन में भरा जाता है, जिससे वो बड़ा रूप नहीं ले पा रहे हैं, वरना शुभदीप कॉलेज पुलिया इंदौर जैसा विकराल भी हो सकता है। कपिल तिवारी ने बताया, पुल सीसा पिलिया हुआ पुराना बहुत मजबूत है, लेकिन स्लेब का रख रखाव जरूरी है। लायंस क्लब अध्यक्ष डॉक्टर कमलेश चौधरी ने कहा कि पुल को 60 वर्ष से अधिक हो गए हैं और उस वक्त के निर्माणकर्ता के अनुसार से अधिक अवधि लोड और वाहनों की 10 गुनी संख्या ये सह रहा है। लायन कमल पटेल प्रणव व्यास के सक्रिय सहयोग से गड्ढे भरे गए। सनावत से प्रभु दोगाया की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।